मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के अंदर बुरहानपुर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। आपको बता दें, ज्ञापन के अंदर जो है कहा गया है कि जो लाउड स्पीकर को जिस तरह से मस्जिद मंदिरों पे से जो है बंद किया गया है, उसके विरोध में ये ज्ञापन दिया गया है। आपको बता दें, ज्ञापन जो है अधिवक्ता मनोज अग्रवाल तो अधिवक्ता वसीम शेख ने जो है ये ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने क्या कुछ कहा है मनोज अग्रवाल ने, रिपोर्ट में देखिए। देखिए, ये ज्ञापन बोलने या इसको एक तरीके से शासन को रिप्रेजेंटेशन है हमारा, हम दोनों अधिवक्ता गण की तरफ से, मनोज अग्रवाल और वसीम खान। ये स्पेसिफिकली जो अभी मुख्यमंत्री महोदय ने एक डायरेक्शन सर्कुलर जारी किया है स्थानीय प्रशासन को सभी जगह पर, मैं अभी बुरहानपुर से कनेक्शन में बात कर रहा हूँ, तो लाउड स्पीकर से जो अजान पढ़ी जाती है प्रत्येक मस्जिद में, बुरहानपुर एक ऐतिहासिक नगरी है जहाँ औरंगजेब का राज वगैरह हो करके, और जब भी था औरों का भी, हिंदू शासनों का भी, शासकों का भी राज था, लगभग यहाँ 150 मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा है, फेमस मस्जिद है और फेमस मंदिर भी है, और यहाँ की जनता बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहती चली आ रही है इतने सालों से, 50 वर्षों से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर से नमाज के बाद, नमाज से पहले, नमाज के बाद अजान पढ़ी जाती है लाउड स्पीकर से, और उसी के बाद सुबह 5:30 से 6 बजे तक वो वेरी करता है टाइम, उस समय पर नमाज के अजान के जो लाउड स्पीकर से अजान होती है, उससे लोग अपना दिनचर्या को निर्धारित करते हैं, उठते हैं और सब कुछ करते हैं, और ये 5 वक्त होती है नमाज, अजान 10 मिनट के लिए एक बार में होती है और दिन भर में 5 वक्त पे ये अजान होती है, और अजान के लिए लाउड स्पीकर से गवर्नमेंट ने कुछ निर्देश सर्कुलर जारी करके और उनको नियंत्रित करने के ऐसे आदेश जारी किए हैं। अब वो हो ये रहा है कि उसको नियंत्रित करने के उसमें फिर स्थानीय प्रशासन अपना अपना इंटरप्रिटेशन निकाल करके और उस पर लाउड स्पीकर को 4 की जगह 3 कर दिए, 3 की जगह 2 कर दिए, 2 की जगह 1 कर दिए, कहीं निकालने के लिए दबाव डाल रहे हैं किसी तरीके से, इस तरीके से हो रहा। देखिए, इसमें माननीय उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच का आदेश हो चुका है कि जो ये मस्जिदों से अजान पढ़ी जाती है लाउड स्पीकर से, ये ऐसी नहीं है जिससे मानव शरीर पर घातक हो या कुछ हो, और ये धार्मिक जो प्रार्थना होती है ये, इसके ऊपर जो बैन लगाने की मांग की गई तो उसको पूरी तरह खारिज कर दिया माननीय उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने, और ये कह दिया है कि ये उस सीमा मस्जिदों से लाउड स्पीकर से पढ़े जाने वाली अजान जो 10 मिनट का अवधि होती है एक बार में, वो जो नॉइज़ पॉल्यूशन है उसकी सीमा से अंदर ही है, और ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। और ऐसी स्थिति में हमने कहा है कि यदि इस तरह हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी यदि इस तरीके से किसी तरीके की हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो वो माननीय उच्च न्यायालय का उल्लंघन होगा। इस स्थिति में हमने शासन को रिप्रेजेंटेशन दिया है कि कृपया स्थानीय प्रशासन को निर्देश दें कि ऐसे किसी तरह वो नियंत्रित करने के नाम पर उन लाउड स्पीकर को निकलवाने, हटवाने या ये अजान पढ़े जाने को प्रतिबंधित ना करें। आज अजान को प्रतिबंधित कर दे रहे हैं और कल को हिंदू कम्युनिटी की तरफ से जो जुलूस निकल रहे हैं, कल ही की बात है, परसों की हिंदू कम्युनिटी का एक जुलूस निकल रहा है, बकायदा लाउड स्पीकर बजा करके जा रहे हैं, तो ये आप क्या संदेशा देना चाह रहे हैं? तो इस तरीके से कुल मिलाकर के हमारा कहना ये है कि जनहित में, हमने लेटर जनहित में दिया है, और इस तरीके से गैरकानूनी काम ना करें और ऐसे निर्देश दें अपने पुलिस प्रशासन। टाइम लिमिट तो नहीं है, हाईकोर्ट का ऑलरेडी आदेश है, कुछ भी रोकेंगे किसी भी वक्त, तो हम इनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। एडवोकेट मनोज कुमार अग्रवाल। तो आपने सुना मनोज अग्रवाल को, मनोज अग्रवाल अधिवक्ता ने क्या कुछ रिपोर्ट के अंदर कहा हमने आपको बताया है। अब हम आपको सुनाते हैं एडवोकेट वसीम शेख को, वो क्या कुछ कह रहे हैं ज्ञापन के बाद में, रिपोर्ट में देखिए। आपको बताया, हमारा एक लेटर हमने माननीय स्थायी प्रशासन को ये दिया है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, माननीय NGT का आदेश है, इनका बेसिक मसला ये है कि ऐसा पोल्यूशन जिससे कि मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है उसको बंद करने का है। हम इसमें सहयोग को तैयार है, अगर ऐसा कोई मामला है जिससे मानव जीवन पर असर पहुँचता है तो ऐसा काम बंद करना चाहिए, हम शासन और प्रशासन के साथ में। लेकिन जब बात प्रार्थना की आती है, मंदिरों की घंटियों की आती है, मस्जिद के अजान की आती है, चर्च की आती है, वहाँ पर 2-4-5 मिनट की प्रार्थना होती है, शांति के लिए लोग वहाँ जाते हैं, उसको हम प्रदूषण चीज़ हमें हजम नहीं हो रही है। होने वाली घंटी पूजा
गुरुद्वारा साहिब के पास प्रार्थना है शांति के लिए, इसलिए दोनों की डेफिनेशन अलग होना चाहिए। शासन ये चाहिए, शासन की कोशिश की इसके आड़ में कि प्रार्थना को भी इन्हें प्रदूषण का नाम दे दी गई है, जबकि माननीय जो गुजरात हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि लाउड स्पीकर से होने वाली प्रार्थना अजान किसी भी प्रदूषण के क्राइटेरिया में नहीं आती है, इसलिए हमने उसी के संबंध में एक स्थानीय शासन को निवेदन किया है कि आप इस तरह के आड़ में जो स्पीकर को हटाने का दबाव बनाया जा रहा है या नहीं बनाए, अन्यथा हमें फिर इसके संबंध में हमें भी कोर्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। एडवोकेट वसीम खान, दोनों ही अधिवक्ताओं को सुना है, उन्होंने किस तरीके से जो है बताया है कि अधिवक्ताओं ने क्या कुछ ज्ञापन दिया, हमने आपको रिपोर्ट के माध्यम से बताया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बीएनसी न्यूज के साथ, अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ, मैं दानिश रजा खान, बीएनसी मीडिया, बुरहानपुर।